लिए मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे अलहमदुल्ला दो आज बिल्कुल अगर देखा है तो पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ अलहमदुल्ला मैंने खुशी से शेयर की, जिनकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अगर देखा मुझे मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे अलहमदुल्ला दो गर्म बैठक सुन लिया। अच्छा इसे क्या कहेंगे, इतना बड़ा ऐलान आपको और आपको पता बहुत है, आपने बेसिकली इंडियन टीम के बावजूद आप इस टाइम पाकिस्तान के लिए मैडल जीता, तो आप कैसा फील करते हैं? सबसे पहले आपने अपनी खुशी किसके साथ शेयर? आज बिल्कुल अगर देखा है तो पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ अलहमदुल्ला मैंने खुशी से शेयर की, जिनकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अगर देखा जाए तो मैं अपना वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमें इधर बुलाया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मिनिस्टर साहब का और एथलेटिक फेडरेशन का जनरल कमसाई साहब का, जिनका बड़ा फर्क था, अलहमदुल्ला इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत इज्जत दी और इन सब ने बड़ा फर्क किया। तो आइए बिल्कुल मेरा यही पैगाम है पूरी कौम को कि जैसे हमारे मुल्क में साफ आया हुआ है, हमें सबको मिलजुल कर उन पर बरक करना चाहिए। देखें कि बहुत सारी जानें चली गई हैं हमारी, हम सबको मिलकर उन पर बरक करना चाहिए, उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में खुशहाल देखें। अरशद नदीम ने जूलन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर मियां चन्नू के अरशद नदीम का शुक्रिया, जिन्होंने न सिर्फ जूलन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया बल्कि एक मायूस कौम को गोल्ड मेडल के जरिए बेपनाह खुशी दी। एक छोटी सी खुशी हमारे लिए कितनी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि आजकल हम अच्छी खबरों से महरूम हैं। शुक्रिया अरशद नदीम, आप हम सब का फख्र हैं, आप फख्रे पाकिस्तान हैं। अरशद नदीम ने 116 साल ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ 32 साल बाद पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम की जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आई, मगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कभी पीछे ना हटे, हर मुश्किल का मुकाबला डट कर किया। उनकी वालदा और गांव के लोग उन्हीं के घर में उनका मैच देखते और साथ दुआएं करते। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतते ही सजदा शुक्र अदा किया और अपने आंसुओं को काबू में न रख सके।